नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबर। सहारनपुर में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल का विरोध, किसानों द्वारा भारत बंद का समर्थन करने आए लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घंटागढ़ निकट बिजली घर के पास प्रदर्शन किया, जिसको एसपी सिटी विनीत भटनागर व उप जिलाधिकारी ने उन्हें रोका और उनसे ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि ये ज्ञापन जिलाधिकारी को पहुंचा दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि लोकदल पार्टी में भी बंद का समर्थन किया और धरना करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, उसका पूरा किसान जगत उसका विरोध कर रहा है। हमारे तमाम किसान लोग, किसान नेता दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं धरने तक, तो उसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल ने भी समर्थन दिया है आज के भारत बंद का। पूरा हिंदुस्तान आज बंद है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के हमारे तमाम साथी पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हैं और जो घर करने के लिए हम भारत बंद में किसानों का समर्थन कर रहे हैं। सर, अभी प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? अभी एसपीसीटी साहब और एडीएम जी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी जो भावना है वो हम केंद्र सरकार को पढ़ेंगे और आपको व्यवस्था की स्थिति न बनाए ताकि आप तो आगे के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, तब तक ना कोई किसान संगठन राजी होगा। तो राष्ट्रीय लोकदल किसान संगठन के साथ है। किसान संगठन जो हमारे किसान नेता बैठे हुए हैं दिल्ली में धरने, जो उनका निर्णय होगा के साथ रहेंगे और ये जो किसान विरोधी बिल है उनको तीनों को हम वापस करेंगे। सर, अगर ये किसानों का आंदोलन रूप ले लेता है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार के जम रहे तो जम रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ सब लोग सटे हुए हैं वहाँ ऐसे ठंड में और वहाँ खुले मैदान में ठंडी के अंदर है जहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो कोई खुशी में तो नहीं जाएगा, तो परेशान है सब लोग। असल में सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि जो हमारी खेती बाड़ी है किसान की, हमारे से छीन के वो कॉरपोरेट जगत के अडानी अंबानी रिलायंस जैसे लोगों को देना चाहते हैं, उसके विरोध में हमारे किसान सब हम लोग राष्ट्रीय लोकदल को उसका विरोध करते हैं कि जो हमारी किसान की जो खेती है उस पर हम खेती हमारी है, जो फसल चाहेंगे वो जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, जो भी प्रावधान है वे सारे के सारे कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुँचाने वाले हैं और इससे किसान को नुकसान।